हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई, समय हो रहा है 10:39 और तबीयत में हल्का हल्का सुधार सा लग रहा है। रात को अच्छी नींद लगी क्योंकि दवाई का असर था ना, थोड़ा सा गला बैठा हुआ लग रहा होगा क्योंकि अभी सर्दी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बदन में हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, पर ज़्यादा दिन नहीं भाई, कल हो गया, परसों हो गया, एक दो दिन में बिल्कुल बीमारी को अपन भगा देते हैं, भग जाए तो बीमारी यहाँ से, ज़्यादा दिन हैवी नहीं होने देते, बिल्कुल राइट फाइट हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। हल्का हल्का थोड़ा सा लहज जाते, पर कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक कर देंगे अपन अपनी तबीयत को। सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ जो भाई पीने के लिए इच्छा होती है ना, वो होती है गर्मा गर्म चाय। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके बिना कोई भी काम सुबह स्टार्ट ही नहीं होता है। तो मम्मी जी बढ़िया बना रही है गर्मा गर्म चाय, गंजी में देखो शानदार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखो शानदार गंजी में अदरक वाली चाय और थोड़ी हैवी सी, क्योंकि इसमें टोस्ट टोप के खाना है ना, इसलिए मम्मी जी गंजी में चाय बनाना शुरू कर दी, क्योंकि टंके में तो पूर्ति ही नहीं होती है, वह छोटा पड़ जाता है भाई, इसलिए गंजी में चाय बनाओ, भर भर गिलास, बढ़िया टोस्ट खाओ और गर्मा गर्म चाय पियो, फिर पेट में हलचल होगी, फिर वहां जाएंगे, बड़ा आनंद मिलता है भाई। तो भाई चाय से ही दिन की शुरुआत हो जाती है। सुबह उठा था तो तबीयत बढ़िया एक नंबर लग रही थी, लग रहा था हाँ यार कुछ काम कर लिया जाए, तो पहले ऑफिस का काम निपटाया, उससे फुर्सत हुआ, थोड़ी सी और हिम्मत जागृत हुई, तो गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, ये देखो अब बिल्कुल इसको शैम्पू से मढ़िया, मैंने इसको रगड़ रगड़ के धो दिया है, पर पूरी बॉडी शैम्पू से धो दी, बिल्कुल एक नंबर चकचका गई है, लाइट मारने लगी, बिल्कुल शाइनिंग मारने लगी है, और बादल गरज रहा बहुत तेज। उसके बाद थोड़ी और हिम्मत जागृत हुई, नहीं यार थोड़ा और काम कर लिया जाए, तो एक घान वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो लिए, पीछे का आंगन भी धो लिए, ऐसी हिम्मत जागृत होती है ना कि भाई काम करते जाओ काम करते जाओ। अब जब पानी में खूब भीज लिए, खुद काम कर लिए अच्छे खासे, उसके बाद भाई जब नहाने गए तो दलदला के ठंडी लगने लगी भयंकर तेज, और अब गरम गरम सा बुखार होने लगा शरीर में। तो काम करने की जब इच्छा होती है, तबीयत अच्छी होती तो काम करने की इच्छा जागृत होती है, काम कर लो तो थकान होने लगती है, पानी बहुत ज़्यादा भीजने के कारण अब ठंडी सी लगने लगी, बुखार सा होने लगा, और मौसम में ना बादल छाए हुए हैं और बादल गरज रहे हैं, लग रहा है कि 15 से 20 मिनट बाद या 1 घंटे 1.5 घंटे में पानी जरूर गिरेगा, पर ठंडा नहीं है, बादल में ना उमस हो रही है, कूलर चालू करना पड़ रहा है अंदर, अभी मैंने बात करने के लिए बंद किया है, नहीं तो सुबह से कूलर चला कंटिन्यू, ऐसा खतरनाक मौसम हुआ भाई, गर्म भीषण पिचपिचा वाला। लंच टाइम, थाली मेरे हाथ में तैयार है, बिल्कुल बनी है तुरैया और देसी चने की सब्जी, दाल, खीरे का सलाद और गर्मा गर्म चावल, यह है हमारी संपूर्ण लंच की थाली। भूख लग चुकी है, चलते फटाफट पूरी थाली फिनिश करते हैं। हो गई है शानदार शाम और मस्त हवा चल रही है, पूरे फेस पे हवा लग रही है, पूरी शरीर पे हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मैं भाई थोड़ी देर सो लिया था, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि दवाई खाओ ना तो नींद आती है, और नींद आए तो सो जाना चाहिए, मस्त 1.5 घंटे की नींद लिया हूँ, आराम सा लग रहा है, सिर हल्का लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आंगन में सीढ़ी पे बैठूं 15 से 20 मिनट, मैं जाके बैठता हूँ सीढ़ी पे आराम से, ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद लेता हूँ, शाम होने के बाद जो मौसम होता है ना उसका आनंद लेते हैं यार, आराम से, थोड़ा सा बुखार भी कम सा हो गया है, अच्छा सा लग रहा है अभी। शाम की चाय बन रही है और आज शाम की चाय बना रही है मम्मी जी, मम्मी जी बोले कि मैं चाय बना देती हूँ बढ़िया से, और चाय बन रही है भाई गंजी में, तो मिलेगी आधी आधी गिलास शानदार, और मैंने मम्मी से बोला मम्मी चाय बना रहा था, एक और अच्छा काम कर दो, मखाना भून दो देसी घी में, तो गाइस ये पूरा मखाना निकाल लिया मैंने, अभी सीसी में और भी रखा है तो कल के लिए हो जाएगा, और ये रखा सीसी में, देखो अभी इतना बचा है, तो बढ़िया कढ़ैया में डाला है भाई देसी घी, मखाना भुजेगा बहुत शानदार, पूरे कमरे में खुशबू आएगी, क्योंकि देसी घी की हमारे घर में ना बहुत गजब की खुशबू आती है, तो चलो नाश्ता होगा बढ़िया, एक प्लेट लेंगे आराम से खाएंगे। ये मखाना भाई देसी घी में भुजना चालू हो चुका है, गंजी में सब कुछ डल चुका है, पूरा चाय के आइटम, तो बढ़िया खुशबू आना शुरू हो गई है, और देसी घी में भुजे हुए जो मखाना होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है, पर देसी घी में भुजने के बाद उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है, इसके ऊपर हल्का सा नमक डालो और खा लो बढ़िया से, तो इतना भी हो जाएगा हम लोग को, उसके बाद कल अपन इतना और भूज लेंगे, और कम पड़ेगा तो और ले आएंगे बढ़िया दूसरा पैकेट। तो मम्मी खुशबू आने लगी है, है ना, और मम्मी के भाई चाय में भी खुशबू बहुत शानदार आने लगी, आज मुझे बच गया मेहनत से चाय बनाने से,
चाय और मखाना भूजने का मम्मी जी ने कर लिया है, नहीं तो रोज मुझे चाय बनानी पड़ती थी शाम की। शुद्ध घी में भुजा हुआ मखाना बढ़िया क्रंची क्रंची हो गया था, एक एक प्लेट गया भैया पेट के अंदर, अच्छा सा लग रहा है। उसके बाद मिल गई भाई आधी आधी गिलास चाय, शानदार। मैं पी रहा हूँ, मम्मी जी पी रही हैं, भाई साहब पी रहे हैं, और यहाँ परमानेंट पापा अपनी कुर्सी में बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है ना। पापा अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, सब काम कुर्सी से। क्यों कुर्सी है तो फिर देश में खेल है। तो पापा बोलते मैं तो यही बैठूंगा अपनी परमानेंट कुर्सी पे और कहीं नहीं जाऊंगा। तो भैया एक कुर्सी पापा के नाम पर रजिस्टर्ड है और कोई नहीं बैठता, पापा बैठ के आराम से टीवी देखते हैं और देख रहे हैं भैया हम लोग ब्लॉग। और शाम की चाय सबके साथ जब पियो ना तो चाय का स्वाद चार गुना बढ़ जाता है। तो बढ़िया आधा आधा गिलास चाय है, आप शाम हो गई हम लोग भी चाय पी रहे, आप लोग भी चाय पियो। और चाय प्रेमी हो तो आधा गिलास से नीचे मत पीना चाय, ठीक है ना। सब लोग पी रहे चाय, बढ़िया एक नंबर डिनर टाइम। और थाली मेरी तैयार है, भूख भी भाई बहुत जोर से लगी है। तो बनी है आलू की भुंजिया, दाल, खीरे का सलाद, चावल और दो हरा मिर्चा, बहुत बढ़िया संपूर्ण थाली। चलते हैं सब लोग बैठ गए खाने के लिए, फुल फैमिली डिनर का मजा। आजकल की भाई तकलीफ और बीमारी ठीक ही नहीं होती है, सर्दी की गोली खा खा के मैं परेशान हो गया हूँ, बुखार की खा रहा हूँ, सिर दर्द की खा रहा हूँ, बदन दर्द की खा रहा हूँ, दो दिन से दवाई खा रहा हूँ, हल्का आराम लगता है फिर बीमारी आ जाती पास में, हल्का आराम लगता है फिर परेशानी। अरे गोली खाओ तो बढ़िया नींद वींद आ जाती है, उठो फिर सर्दी ठीक नहीं। तो भैया ये तीन गोलियां भी मेरे को और खाना पड़ेगा क्योंकि रात की डोज है, बाकी मैंने सबको दे दिया है रात की डोज, अब मेरी बारी, गोली खाता हूँ, देखता हूँ सुबह तक आराम लगता है कि नहीं। और कब तक खानी पड़ेगी ये दवाई, दो दिन आने, सुबह शाम ऐसे करते करते गोली खा रहे हैं यार, तबीयत कब ठीक होगी भाई। पूरा बुखार सिरदर्द बदन दर्द जाए तो दूसरे काम में आदमी अपना दिमाग लगाए, ये कब तक गोली खानी पड़ेगी समझ में नहीं आ रहा। आजकल की भाई बीमारी भी है ना, एक दो गोली में दूर नहीं जाती, पहले की एक डोज खा लो ठीक हो जाते थे, आजकल की बीमारियां बड़ी लंबी लंबी आती हैं, चार चार पाँच पाँच दिन वाली, परेशान करने के लिए आ गई। भाई मेरे को बीमार रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को तो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना बहुत अच्छा लगता है कि सब काम में आदमी का मन लगे। एक गोली खाते रहो, कितनी गोली खाएगा यार आदमी, मेरे को बिल्कुल गोली खाना पसंद नहीं है। हो गई है बहुत रात, आ रही है नींद, क्योंकि भाई गोली खा चुके हैं तो गोली का असर होना शुरू हो चुका है। तो ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।